नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में दो नन्हे मेहमान आए हैं। रेड पांडा ने दो शावकों को जन्म दिया है। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में एक मादा रेड पांडा ने दो प्यारे शावकों को जन्म दिया है। माँ और शावक दोनों ठीक हैं। इसके साथ ही दार्जिलिंग चिड़ियाघर में रेड पांडा की अब कुल संख्या 25 हो गई है। पांडा शावकों की माँ का नाम शोभा और पिता का नाम नोएल है। दोनों शावकों को चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। अभी ये दोनों काफी छोटे हैं, लेकिन दोनों ही काफी क्यूट लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर रेड पांडा और उसके बच्चों का ये प्यारा सा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अब तक 7,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं और रेड पांडा के बच्चों पर प्यार लुटा रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क में इस वक्त खुशियों की लहर छा गई है। यहाँ काम करने वाले वनकर्मी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल का ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहते हैं। हिमालयी पशु प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों के लिए ये पार्क जाना जाता है। ये देश का एकमात्र विशिष्ट चिड़ियाघर है जो लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया, इनके अलावा पूर्वी हिमालय के अन्य लुप्त प्राय जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अभिजनन कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विख्यात है। चिड़ियाघर में एक अनूठा संग्रहालय और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान भी है, जहां आप इंडोर पर्वतारोहण और एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। और फिलहाल तो ये रेड पांडा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।